Hello children, today I am going to teach you English. Today we will learn about small cursive G. G for girl and G for grapes. Let's start. So we have to make a A. Then we have to make a J by joining A in the middle line. This time. We make a A. Then we have to make a J. By joining A in the middle line this time. One more time. देखिए पहले मैंने बनाया A, फिर मैंने उसे बना दिया नीचे की लाइन से ले जाकर J और इसे जोड़ दिया, है ना। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखिएगा, इसमें कर्व नहीं बना है। देखिए तो मुझे कर्व बना के चलना है, इससे कहीं भी नहीं बना है। ये देखिए ए बनाया, फिर उसे जे की तरफ फोल्ड कर दिया मिडिल लाइन में, है ना। ये देखिए ए बनाया, ए बना लिया, फिर या तो फिर उस लाइन को मैं रेड लाइन तक नीचे ले गई, उसे यहाँ ज्वाइन करके छोड़ दिया थर्ड लाइन पर। ये देखिए, है ना, यहाँ बनाती हूँ, ये पॉइंट बनाया मैंने थर्ड लाइन में। फिर ए बनाया, फिर इससे जे बना दिया जॉइन करके। ये देखिए, है ना, थर्ड लाइन से स्टार्ट किया, थर्ड लाइन पर ही रोक दिया। ये बनाया ए, नीचे रेड लाइन तक लेकर गई, पर जे बना दिया। ये देखिए, इस टाइप ए बनाया, छोट ए बनाया, छोट ए बनाया, छोट, है ना। ये देखिए मैंने पूरे इसमें कर्व बनाया है। आप लोगों के कुछ कुछ स्टूडेंट जो वर्क भेजते हैं ना, उसमें कर्व नहीं है, पर कर्व प्रॉपर बनाना है। ये देखिए, क्योंकि ये पूरी ए टू जेड जो है वो कर्व से ही बनेगी। ये देखिए इस टाइप, है ना। और मुझे डेली आपका होमवर्क चाहिए, डेली मैं आप लोगों का अटेंडेंस लगाती हूँ, चेक करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्लास वर्क और ये होमवर्क। थैंक यू।